What's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है माइकल। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों ने अगर पिछला एपिसोड जाके वॉच आउट नहीं किया है, जिसमें गाइस हम लोग की वाइट टाइगर प्लस दोस्तों बेलास गैंग का जो टाइगर था उसकी बच्चों की फाइट हुई थी, वो भी दोस्तों एयरपोर्ट के ऊपर, और हम लोगों ने उसी एपिसोड में गाइस ट्रेवर को भी बचा लिया था लॉस्ट गैंग के बंदों से, और साथ ही में दोस्तों हम लोगों ने उसकी सबमरीन को ब्लास्ट कर दिया था, जिसका जो इम्पैक्ट पड़ा है ट्रेवर के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बेकार पड़ा है। अब गाइस हम तो उसे काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल अभी आप लोग देख पा रहे हो माइकल यहाँ पर ड्रेसअप हो चुका है, शीशा देखने आया है अपने आप को, काफ़ी ज़्यादा कूल और बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा है अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ में जाने के बाद गाइस हम लोग जाते हैं सीधा जिमी के रूम पे, क्योंकि जिमी की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा नॉटी प्लस बिगड़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जैसी गाइस आप लोग देख पा रहे हो कुछ मैगजीन्स वगैरह पड़ी हैं, पढ़ाई का तो सामान कुछ दिखता ही नहीं है। पीछे वनीला यूनिकॉर्न भी लिखा हुआ है, नेट ओ भयंकर, देखो साइड में भी वही है सब कुछ, सेलिंग इज रिवीलिंग, तो वनीला यूनिकॉर्न भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यही चलता है इनका सब भाई, नीचे लैपटॉप पड़ा है, ऊपर पीसी पड़ा है, यही सब चलता है। लेकिन भाई जो बेटा तो बेटा ही है, बाप भी गया ही गुजरा, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो। ये देखो भाई शुरू हो गए, मतलब जहाँ मौके नहीं मिले वहाँ से ये लोग शुरू हो जाते हैं। मतलब गाइस अभी ये देखने आया था अपने बेटे को, लेकिन इसे यहाँ पर एक दिखा हुक्का, तो उसने गाइस दोस्तों जो है उसको भी स्टार्ट कर दिया पीने के लिए। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखो गाइस यहाँ पर अभी जो है ये लोग फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। फिलहाल दोस्तों जिमी को भी समझना पड़ेगा और साथ में माइकल, देखो जो परवरिश जैसे दोगे तो वैसा ही सब कुछ होता है। तो फिलहाल जैसे अभी माइकल है, उसने पूरी अपनी जो जिंदगी है वो लगा दी सिर्फ और सिर्फ गैंगस्टर बनने में, और गाइस जिमी के ऊपर बिल्कुल भी उसने कभी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर फाइनली गाइस उसने जो है ड्रिंक कर लिया, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो क्या उसका रिएक्शंस आ रहे हैं। I'm starving and miserable. तो ये देखो गाइस कैसे उसके रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अभी वो ठीक हो चुका है, तो फिलहाल अब हम यहाँ से नहीं नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद गाइस हम लोग जो है सीधा अपनी न्यू कार लेने वाले हैं, जिसका नाम है इनस, और इनस को लेने के बाद आज दोस्तों बहुत ही खुशी का दिन है। खुशी का दिन इन द सेंस ऐसा है कि भाई जितनी भी सीमियोन ने कार बनानी थी वो सब बन चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हमारे पास 6 इंडियन कार्स थी, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला एपिसोड देखा होगा, तो 6 इंडियन कार्स में से 3 जो है फुली रेडी हो चुकी हैं, यानी कि रिफर्निश्ड, बस दोस्तों अच्छे से बना दिए सीमियोन ने, थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन उसने जो है क्रिएट कर दिया है। फिलहाल अभी दोस्तों ये तीनों बैठ के यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, अमांडा भी काफी ज्यादा खुश दिख रही है, और साथ ही में हमारा जिमी भी है और ट्रेसी भी है साथ में। ठीक है, तो भी दोस्तों तीनों की तीनों कार के लिए पेमेंट जो करनी है वो मेरे पास, उसके लिए अभी पैसे बिल्कुल नहीं बचे हैं। फिलहाल ये जो मेड है ये भी दोस्तों काम वगैरह करती नहीं है, फिलहाल ऐसे बैठ रहती है, पर दिन भर दोस्तों बेचारी इधर से उधर घूमती रहती है साफ करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ, और बाहर चलने के बाद आप लोगों को एक बात और पता होगी कि जब दोस्तों बेलास गैंग के टाइगर और हमारे वाइट टाइगर की फाइट हुई थी, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था गाइस की कुछ भी नहीं बचा था, और हम लोगों ने एक डोजो अर्जेंटिनो हम लोगों को गिफ्ट में मिला था जब दोस्तों हम लोगों ने फार्मर आया था। तो ये सारी पिछले वीडियोस जो हैं आप लोग जाके वॉच आउट कर सकते हो, जिससे आप लोगों को पूरी की पूरी स्टोरीज जो हैं वो एक्सप्लेन प्लस दोस्तों समझ में आ जाएगी। बिल्कुल अलाइनमेंट में लगा हुआ है दोस्तों, इससे जाके आप पिछली वीडियोस देखो, उससे पिछले देखो, तो उसका ही नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को मिलता रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल अलाइनमेंट से वीडियो आप लोग देख सकते हो, तो आप लोगों को सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अभी सिक्योरिटी गार्ड की तरह हमारा जो है डोजो अर्जेंटिनो यहीं पर है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और डॉग भी एकदम वेल ट्रेंड है। तो भी मैं ये वाली कार लेके डायरेक्ट जा रहा हूँ बैंक पे। ठीक है, तो जो डिपॉजिट पे बैंक है वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर जाने के बाद गाइस मुझे जो है वहाँ से पैसे चुराने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग गैंगस्टर हैं, हमारे पास पैसा तो था, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा है, और लेस्टर का भी दोस्तों फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रहा है, और लेस्टर के घर भी मैं अभी जाना नहीं चाह रहा। ठीक है, ट्रेवर से हमारी दोस्तों अनबन हो ही गई है, और साथ ही में दोस्तों फ्रैंकलिन भी अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी ही चल रहा है। तो अभी दोस्तों मुझे कैसे ना कैसे करके खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे एक हेस्ट यहाँ पर करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आज हम जो है बैंक में जाके हेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ पैसिफिक स्टैंडर्ड बे बैंक डिपॉजिट पे, वहीं पर जाके दोस्तों हम लोग जो है अंदर वाले जितने भी डिपॉजिटर्स हैं या फिर दोस्तों बैंक वाले
आप लोग बोल सकते हो जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनके पास काफ़ी अंदर पैसा रखा होता है, जिसको हम लोग जो है अगर आप लोग GTA 5 मिशन स्टार्ट करोगे तो उसका पहले मिशन का नाम प्रोलॉग होता है। तो प्रोलॉग अगर आप लोग खेलोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि बैंक हेस्ट कैसे होता है। हम लोगों ने वहाँ पर नॉर्थ यंगटन में काफ़ी तगड़ी बैंक हेस्ट कर रखी है। फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं, वो आ चुके हैं, यहाँ पर हम लोग जो है पैसिफिक स्टैंडर्ड बे बैंक डिपॉजिट पे आ चुके हैं और यहीं पर दोस्तों जो है हम लोग अंदर जाएंगे। फिलहाल ये जो बैंक का जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार और बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एक एक इंटीरियर देखेंगे और मेरे को लगता है अपना जो सीक्रेट बेस बनाने वाला जो स्टाइल है वो भी यही है। और ये बंदा दोस्तों एक तरह से गार्ड की नौकरी यहाँ पर करता है, हम लोगों से यहाँ पर बहस कर रहा है। आप लोग देख पा रहे हो जाने की अंदर इजाजत नहीं दे रहा है, उसको पता नहीं है कि माइकल यहाँ पर करने क्या है। ठीक है, निकल यहाँ से। फिलहाल अभी एक कोनी मिल गई है इसे बढ़िया खींच के, तो तीखी कोनी भैया हम लोगों ने मार दी यहाँ पर और ये जो है गिर चुका है नीचे की तरफ में। ठीक है, जैसे ही अंदर आते हैं ATM तो है लेकिन ATM कार्ड ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो अभी मैं डायरेक्ट दोस्तों जो है ये लोग सब लाइन में खड़े होते हैं लेकिन लेजेंड्स जो हैं डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके ऊपर नहीं जाते हैं, नीचे जाके बेटा नीचे आओ इसको मारो यहाँ पर। तो अभी दोस्तों जितने भी अंदर बंदे हैं उनसे हम लोग मिल जाते हैं और उसके बाद उनको जो है मारना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर जो अपने निकाल लिए एक्स, हम लोग दोस्तों यहाँ पर गन्स वगैरह नहीं चलाएंगे जिससे दोस्तों पुलिस को ना पता लग जाए। तो ये बेचारा बंदा यहाँ पर जो है वैसे ही टाइम पास कर रहा है, बेटा तुम खर्च हो जाओ अभी यहाँ पर, चलो तुम्हारा ऊपर का टिकट कट चुका है। तो यहाँ पर इसको मैंने मारा और दूसरा ये बंदा और है, बेटा तू भी यहाँ पर जो है बिल्कुल टाइम पास ही कर रहा है। बगल वाला देखो डर रहा है, ये नहीं कि भाग गए कुछ बोले या फिर पैसे ही दे दे मुझे डायरेक्ट। तो जल्दी से ले लेते हैं बैग। तो गाइज़ अभी मैंने जो है यहाँ पर अभी बैग ले लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि गाइज़ मुझे मिल चुके हैं भाई पैसे कहाँ पर पड़े हुए हैं। तो वो टेबल के अंदर जितने भी जो ड्रॉर्स हैं उस पर सब पे पैसे ही पड़े हुए हैं। तो ये देखो गाइज़ हम लोगों ने बैग में भर के काफ़ी तगड़े पैसे ले लिए हैं और नीचे जो इनका जो है सो जो रिफर्निश जो फ्लोर बोल सकते हो वो काफ़ी अच्छा है। और अगर और ज़्यादा पैसे चाहिए तो यहाँ पर मेरे को जाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे लॉक कैसे खोलना पड़ेगा ये देखो गाइज, थोड़ा सा अगर आप लोग देखोगे तो जैसे ही मैंने अभी यहाँ पर जो है एक एक्स मारी और यहाँ पर दोस्तों जो है ये अनलॉक हो चुका है। अनलॉक होते ही गाइज अंदर की तरफ में जाते हैं तो गाइज अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है। और इस साइड भी जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक लॉक्ड जो है बक्सा रखा हुआ है जिसमें काफ़ी तगड़े पैसे रखे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है 3 स्टार की पुलिस हम लोगों के पीछे पड़ चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार बात है। तो अभी ये मैंने जो गेट जो है वो खोल दिया, ये देखो भाई सामने से हम लोगों ने इसे मार दिया है, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर किल कर दिया है, दोनों बंदे हम लोगों ने यहाँ पर डाउन कर दिए। ऊपर की तरफ में चलते हैं तो गाइज यहाँ पर एक बंदा और है तो इसको भी मार देते हैं, ये निकल यहाँ से तू भी, तो इसको भी हम लोगों ने किल कर दिया है। और अब मैंने जो है यहाँ पर गन निकालने की शुरू कर दी है, क्योंकि गाइज अब मुझे पता लग गया है कि पुलिस हम लोग के पीछे पड़ चुकी है और वो हमें नहीं छोड़ेगी, और नहीं छोड़ेगी जिसका मतलब यही है कि गाइज अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जो है यहाँ पर लड़ना शुरू कर दिया इन लोगों से। और आप लोग खुद ही देखो यहाँ पर जंप लेके हम लोग ऊपर आए, पूरा इंटीरियर हम लोगों को देखना है। क्योंकि लेस्टर का कहना ये है कि बैंक के सारे इंटीरियर देख लो ताकि दोस्तों हमें जो है वो करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा, जब हम लोग कभी भी यहाँ पर हेस्ट करेंगे नया वाला तो वो करने के लिए काफ़ी तगड़ा होगा हमारे लिए। ठीक है, तो अभी दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जो है ऊपर की तरफ में आ चुके हैं, एक छोटा सा कैबिन हम लोगों को और देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से गाइस जिस हिसाब से मैं इस लोकेशन को अभी तक देख रहा हूँ तो वो दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट और बढ़िया लग रही है। और गाइस यहाँ पर हम लोग अपना सिचुएशन अगर करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहेगा हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो बैंक है वो अपना घर भी बन सकता है अगर हम लोग दोस्तों बैंक के CEO वगैरह जो भी हो यार, तो जो भी उसे बोलते हो, या फिर दोस्तों एक तरह से यहाँ पे जो वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं इनको ही एक तरह से हम लोग जो है बता लें, मतलब एक तरह से इनको पैसे वगैरह दे के राजी खुशी कर लें और अपने साथ में कर लें, तो गाइस हम लोग जो है बैंक का यूज़ काफ़ी तगड़ा कर सकते हैं, वो भी लॉस सैंटोस घर पर बैठे बैठे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे सबको मैंने किल कर दिया है, ये मेरे ख्याल से ऊपर जाने का रास्ता था। यहाँ से दोस्तों अब हम लोग निकलते हैं और निकलने के बाद गाइस मैं अपनी कार को डायरेक्ट ऊपर लेके चला जाऊँगा जिसके कारण से पुलिस हट जाएगी पीछे। यार टकले तेरे को समझ में नहीं आता है ना, मैं जब से यहाँ पर लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी दोस्तों देखो यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे अपनी जो है निकालनी है और इन सारी कारों को ब्लास्ट करना है।
क्योंकि इनकी जो साउंड है ना पता नहीं क्या क्या इनका साउंड निकलता है, एम्बुलेंस जैसे मैंने देखा हुआ स्टडी कर, लेकिन गाइस जैसा भी इनका साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है मेरे को। और उसी के साथ साथ दोस्तों जो कार है वो बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ती, मतलब जैसे मधुमक्खी का छत्ता चुरा लेते हैं ना जब, तो मधुमक्खी पीछे पड़ जाती है, वैसे गाइस पुलिस भी हम लोगों के पीछे पड़ जाती है। और लॉस एंजेलोस की पुलिस मतलब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं इन लोगों के पास, इतने ज़्यादा बंदे हैं कि भाई अगर आप लोग एक जन्म भी खेल लोगे ना तो भी इनकी पुलिस और वो ख़त्म ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक सीन रहता है। तो चलो यहाँ से जल्दी से मैं स्टंट करके एक काफ़ी तकलीफ पर जंप ले लेता हूँ, 1 2 3। तो ये देखो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर जो है जंप ले ली है, और ये जंप काफ़ी तगड़ी ऊंची जंप हम लोगों ने ली है, जिसके कारण से पुलिस सोचेगी कि विक्टिम गया कहाँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस, प्लेयर भी यहाँ पर जो है हील्ड हो चुका है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी मेरे को जल्दी से निकल लेना, यहाँ पर पुलिस भी हट चुकी है, हम लोगों ने बैंक को भी स्टील कर लिया, तो अभी मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा। सीधा हम लोग जाने वाले हैं वो भी प्रीमियम मोटर डीलक्स स्पोर्ट्स सीमियन के पास अपनी इंडियन कार्स को देखने के लिए, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों हमें लेस्टर भी मिलने वाला है, और लेस्टर के साथ साथ हमें दोस्तों वहाँ पर जो है सीमियन भी मिलने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं दोस्तों सीमियन के पास, और सीमियन से पूछते हैं कि भाई सीमियन हमारी कार जो है वो कैसी हालत में है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग खुद ही देख पा रहे हो लेस्टर ये ट्रक लेके भी आ चुका है, तो जल्दी से इसको पार करते हैं। सारी की सारी कार्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो 3 कार रिफर्निश्ड प्लस दोस्तों कलर भी रीस्प्रे हो चुका है, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो फिलहाल जल्दी से यहाँ पर उतरते हैं। उतरने के बाद अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर जो है डायरेक्ट अपना हैंड कर लिया है, और वहाँ से दोस्तों मुझे जो है लेस्टर काफ़ी तगड़ी तरीके से हिला रहा है, आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो। हाँ भाई आ चुका हूँ मैं, तेरे को देख लिया है, और ये ट्रक लेके आया है ये बताने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल जल्दी से मेरे को सीमियन से मिलना है, और यहाँ पर ये खांसी करने लग गया अभी, और मतलब काफ़ी ज़्यादा ठीक भी है। तो ये रहा गाइस सीमियन, सीमियन से बात करते हैं। तो सीमियन गाइस अपने यहाँ पर जो है बढ़िया लगा रहा है एक तरह से। ये रही पहली कार जीप जिसको हम लोगों ने ग्रे कलर में, ये फॉर्चुनर रेड कलर में हो गई है, और स्कॉर्पियो गोल्डन कलर में हो गई है, जो कि दोस्तों दिखने में काफ़ी ज़्यादा शाइनी, काफ़ी ज़्यादा लुक, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इनका। तो गाइस आप लोगों को ये कार कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता देना। फाइनली दोस्तों मैंने जो है इसको बैग जो है उसके मतलब वहाँ पर रख दिया है, और एक कॉल आई है मुझे अर्जेंट घर से, तो जल्दी से मुझे घर पर जाना पड़ेगा। लेस्टर इन सारी कारों को दोस्तों हमारे यहाँ पर रखवा देगा, तो वो हमें देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल अभी मुझे जाना है, और बात ऐसी हुई है अमेंडा ने कुछ देखा है अपने गार्डन में, और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो एक तरह से एक लोमड़ी वगैरह उसने बोली है, फॉक्स क्वाइट जो भी आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो जल्दी से गाइस मुझे जो है वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो देखते हैं गाइस कि वहाँ पर कौन है और कौन वहाँ पर आ चुका है। तो अभी मैं जल्दी से ये वाली कार को लेके डायरेक्ट पहुँचने वाला हूँ सीधा अपने घर पर, और घर पर देखेंगे गाइस कौन है वो जानवर जो यहाँ पर आ चुका है। और उसके कारण से अमेंडा को शॉपिंग करने जाना था बाहर, तो वो निकल नहीं पा रही, तो वो अभी पीछे बैकयार्ड में उसने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, उतरने के बाद आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर आगे सामने हमारे गार्डन है, और ये तो बेचारा एक प्यारा सा मेरे ख्याल से छोटा सा फॉक्स टाइप है, लेकिन गाइस ये कुछ कर नहीं रहा है। अमेंडा बेफालतू में इतना डर रही थी, अरे यार क्या हो गया, डोजो अर्जेंटिनो हंटर है भाई, इसका नाम हंटर था। ओबे भाई अबे यार तेरे को मारने को किसने बोला यार हंटर, यार मैं तो उसको बोल भी नहीं सकता कुछ, अब हद हो गई भाई। इसने जो है लोमड़ी को मार दिया, लेकिन गाइस उसको लगता है उसमें काफ़ी तगड़ा चंगली थी, वो उसको मारने से गाइस इसको जहर भी लग सकता है। अबे यार देखो ये पागल हो गया क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब लगता है गाइस हमारा हंटर पागल हो चुका है, कहाँ जा रहा है भाई, अंदर अंदर हमारे मेम्बर ही हैं। देखता हूँ गाइस ये कहाँ जा रहा है, मेरे को तो वैसे टेंशन थोड़ी बहुत हो रही है, क्योंकि जब से इसने उसको काटा है ना तब से गाइस इसका, ओ भयंकर, अमेंडा मेडिटेशन कर रही थी, और जिसके कारण से उसने गाइस उसको जो है चौक के काफ़ी तगड़ा काटा, और जहाँ पर अमेंडा की डेथ हो चुकी है मेरे ख्याल से काफ़ी तगड़ी अनकॉन्शियस होकर गिर चुकी है। अब किसको मारेगा बे, टीरी ऐसी कितने, सिर्फ ट्रेसी को भी इसने नहीं छोड़ा। गाइस आप लोग देख पा रहे हो ट्रेसी के भी इसने जो है सीधा गर्दन पर दोस्तों जो है मारने की कोशिश करी, और जहाँ पर मेरे ख्याल से अब तो रुक जा भाई, किसको मारने वाला टीरी ऐसी, अब मैं बताऊँ फैमिली से ज़्यादा ऊपर इसको नहीं मान सकता। लेकिन गाइस आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो है निशाना, ओ भयंकर हद हो गई भाई, मैंने जो है इस पे अपने बेटे के ऊपर ही मैंने जो है गोली मार दी। मतलब गाइस जब होता है ना टेंशन में तो कुछ याद नहीं आता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप लोग जो देखना आप लोग दिख गया, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।